ज्ञान चौतीसा के एक पंक्ति है उस पर कुछ चर्चा करूं और उसी पर कल भी दोनों टाइम उसी पर चर्चा करूंगा। एक पंक्ति पर खखा चाहे खोरी मनावे, इसी पंक्ति पर से समय भी चर्चा किया जाएगा। सद्गुरु कबीर साहेब की एक पंक्ति, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा सद्गुरु कबीर साहेब एक अद्भुत और निराले संत हुए हैं जिसके बारे में कहते ही बनता है। उनकी पंक्ति, उनकी साखी, उनके शब्द, उनके रमणी कहीं से भी उठा दो, कहीं से भी शुरू कर दो, ज्ञान का अथाह भंडार है जिसमें गोता लगाते रहो तो हर नए चीज, हर नए राज खुलते चले जाते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि सद्गुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, सद्गुरु कबीर साहब की पत्नी थे, बच्चे थे, इस तरह से विडंबना विद्वानों ने रचा। जो कबीर के बारे में जाने नहीं वो कबीर के बारे में लिखना शुरू कर दिए तो अधूरा ही होगा ना। कबीर के बारे में तो संत ही बता सकते हैं। जो कबीर को पढ़ते हैं, कबीर को जीते हैं, कबीर का जीवन जीते हैं, वो उसके बारे में बता सकते हैं। सद्गुरु कबीर साहेब कैसे उनका जन्म हुआ, उनके माता पिता, उनके बच्चे, ये सब रास्ते चले गए। और मुख्य चीज ये है कि कबीर साहेब कहाँ जन्मे, कहाँ से आए, कहाँ से गए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कबीर साहेब ने इस दुनिया में 120 साल रहे और 120 वर्षों में क्या देकर के चले गए, इतना अथाह भंडार देते चले गए। विज्ञान आज जिन चीजों को आज विज्ञान साबित कर रही है उन बातों को सद्गुरु कबीर साहेब 625 वर्ष पूर्व कह करके चले गए। उसी की पंक्ति है सद्गुरु कबीर साहेब। मैंने कहा कि जब वो जिस क्षेत्र में कहते हैं तो एकदम अविचल अविरल होकर के एकदम अथाह सागर है उनके पास ज्ञान का। जब वो कहना शुरू करते हैं तो उनके शब्द शैली भी ऐसे बैठती है जो कि लगता है कि सच में एक अद्भुत। किसी ने कहा है कि वो सब हिंदी भाषा के डिटेक्टर थे। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, सोना सज्जन साधु जन जोरी टूटे सौ बार, कुंचन कुंभ कुमार का। जब एक शब्द शुरू करते हैं सोना सा से शुरू करते हैं तो सोना सज्जन साधु जन सा से लाइन से उसका लय जुड़ता है। सोना सज्जन साधु जन जोरी टूटे सौ बार सा से। फिर क से शुरू करते हैं तो कुंजन कुंभ कुमार का कस शुरू करते हैं। उनके शब्दों में इतनी गणितज्ञ है, उनके शब्दों में इनके शक्ति है, जादू है। और उनको कहते हैं विद्वान की सद्गुरु कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। सद्गुरु कबीर की उन्होंने पढ़ा ही नहीं तो कैसे कह दिए। मैं अपनी पंक्ति पर आऊं। सद्गुरु कबीर की एक साखी, सद्गुरु कबीर की एक पंक्ति है ज्ञान चौतीसा का, खखा चाहे खोरी मनावे। खखा, खखा का अर्थ सद्गुरु कबीर साहेब ज्ञान चौतीसा में 34 अक्षरों के माध्यम से, हर अक्षर के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। उनका एक पंक्ति है खखा। खखा मतलब होता है शांति। शांति चाहते हो तो खोरी, खोरी ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, खोर गली, खोर गली कहते हैं ना, गली खोर आप लोगों की छत्तीसगढ़ी शब्द है। खोरी मनावे, खोरी मतलब होता है अपने इंद्रियों को मना लो, आपकी पूरे दुनिया की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपका मन अशांत है, मन शांत हो जाएगा, शरीर अविचल, शरीर स्थिर नहीं है, शरीर स्थिर हो जाएगा, शरीर चंचल बना है, मन चंचल बना है, सब स्थिर हो जाएगा, आपकी संयम की परिभाषाएं खुल जाएगी। यदि सद्गुरु कबीर के एक साखी खखा चाहे, यदि शांति चाहते हो तो खोरी मना लो, अपने मन इंद्रियों को अपने वश में कर लो। केंद्र में है मन, मन को सुलझा लेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मन क्या चीज है, मन को बहुत लोग नहीं जानते। कुछ लोग कहते हैं क्या बताए भैया, मन परेशान कर रहा है। मन परेशान नहीं करता है, मन को आप संचालित करते हो, मन को आप ऑपरेट करते हो, मन को आप दिशा देते हो, तब मन आपके हिसाब से चलता है। फिर आप मन में एक लत पड़ जाती है, लय हो जाती है, तब मन आपको संचालित करता है, तब मन आपको संचालित करता है। कोई आदमी शुरू से बीड़ी और सिगरेट नहीं पीता है,
किसी मित्र के साथ जाता है तब पीता है या अकेले में पीता है, धीरे धीरे मन नहीं होता है पर भी पीता है, जब लत लग जाती है तब अब बीड़ी सिगरेट उनको परेशान करता है। क्या हुआ? गलत दिशा दिए। इसलिए मन सद्रु कबीर साहब की और साखी है, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसा सींचे मूल को फूले फले अघाए। मैंने पहले ही कल सुबह के सत्र में कहा कि ठीक जीवन कैसे बदलता है, जीवन कैसे सुधरता है। जीवन सुधरता और बनता और बिगड़ता है अपने हिसाब से। हम अच्छे होते हैं तो जीवन अच्छा होता है, हम बिगड़ते हैं तो जीवन बिगड़ता है, और हम बनते हैं तो जीवन बनता है। हम ही हमारे जीवन के मालिक है। दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है, दूसरे को देश देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, भगवान की माया की पूछना ही क्या है। क्यों भगवान को दोष देते हैं? कोई भगवान है इस दुनिया में? यदि आदमी को आदमी में भगवान नजर नहीं आया तो पूरे ब्रह्मांड में आप ढूंढ लो, देवी देवता नजर नहीं आएगा। देवी देवता का सिर्फ एक हवा है, सिर्फ एक हवा है। इंसान में भगवान नजर नहीं आया, माता पिता में भगवान नजर नहीं आया, घर के भाई भाई में, बहनोई में, बहनोई में, आपस में, देरान और जेठान में, आपस में बच्चों में प्रेम नहीं है, आपस में उन लोगों में भगवान नजर नहीं आया। तो दुनिया के किसी भी मंदिर और मस्जिद में चले जाए, दुनिया के किसी भी तीर्थ स्थानों में चले जाए, कहीं आपको भगवान नहीं मिल सकता है। सिर्फ भगवान की कल्पना है, भगवान की कल्पना है सिर्फ, साफ शब्दों में। इसलिए भगवान आपको चाहिए तो भगवान आपके घर में है। आपका घर पूरा मंदिर होना चाहिए और आपके घर में रहने वाले सारे सदस्य देवी देवता नजर आना चाहिए। आपके घर पूरा मंदिर कोई कोने में स्थापित नहीं होना चाहिए, मंदिर किसी जगह पर स्थापित नहीं होना चाहिए। हर घर घर पूरा मंदिर बनना चाहिए और पूरा आपका घर आंगन मंदिर की तरह होना चाहिए। मंदिर की तरह मतलब आपका घर जब मंदिर बन जाएगा तो वहाँ कटुता नहीं होगी, वहाँ हिंसा नहीं होगा, वहाँ लड़ाई नहीं होगी, वहाँ द्वेष नहीं होगा, वहाँ राग नहीं होगा, वहाँ प्रेम होगा। मंदिर में भगवान से प्रेम किया जाता है। समस्या तो ये आ जाती है घर को मंदिर बना लिया जाए, सारे सदस्यों को देवी देवता मान लिया जाए तो लड़ाई किसके साथ करे और पेट का भोजन कैसे पचे। समस्या तो ये हो जाती है, पेट का भोजन पचाना है तो लड़ेंगे, कोई नहीं मिल रहा है तो पति और पत्नी लड़ेंगे, और कोई नहीं मिल रहा है तो सास और बहू लड़ेंगे, और कोई नहीं मिल रहा है तो अपने ही पैदा किया बच्चा के साथ लड़ाई करेंगे। क्या मिलेगा? सद्गुरु कबीर साहब की मैं पंक्ति पर आऊं, हमारा जीवन एक कहना चाहिए मस्त और स्वतंत्र जीवन है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं यदि शांति चाहते हो तो मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लो। हमारा मन और इंद्रियां कैसे हैं? छोटा सा उदाहरण दूं, जैसे कोई आदमी एक सरसों के दाने की पोटरी ले ले और सरसों के दाने की पोटरी इस पोटरी में बांध ले और सरसों के दाने की जो पोटरी बंधी वो पोटरी खुल जाए तो सरसों के दाने गलीचा के नीचे चला जाएगा, गद्दे के नीचे चला जाएगा, चटाई के नीचे चला जाएगा, कहीं दरारों में घुस जाएगा। उन सरसों के दाने को फिर से इकट्ठा करने में इतनी मेहनत है, ताबड़तोड़ मेहनत, तब भी पूरा इकट्ठा नहीं कर सकते। हमारा जीवन कैसे है? हमारे जीवन ऐसे ही है, यदि हमने इंद्रियों को वश नहीं किया, अपने हिसाब से संचालित नहीं किया, अपने वश में नहीं रखा तो सरसों के दाने के पोटरी की तरह इधर उधर बिखर जाता है सरसों के दाने, वैसे ही हमारी इंद्रियां बिखरी हुई है, अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त है। आंख कुछ और कह रही है, जीभ कुछ और, कान कुछ और, पैर कुछ और, हाथ कुछ और। जब मीठे मीठे अच्छे अच्छे चीज खा रहे हैं पेट से जवाब आ गया अब नहीं खाना चाहिए, बस करे बस करे। 2, 4, 6, 8, 15, 20 गुलाब जामुन खा लिए हैं, अंदर से आवाज आ रही बस करो बेटा अब मत खाओ। जीभ कहता है अरे देखा जाएगा, 2-4 और दबा लो ना। संयमित जीवन नहीं है। मोबाइल देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, आंखों से चुभन हो रही है, दर्द हो रहा है,
अब आंख कह रही है बेटा बस करो, अब बंद करो आंख को, आराम दो, सो जाओ बिस्तर में मस्त हो करके। मन कहता है थोड़ा और देख लो ना क्या होता है, अभी तो 10 ही रात बजे है, 11 बजने दो। बोल रहे बोलते बोलते जीत थक चुका है, अंदर से आवाज आ रही है बस करो। एक मन कहता है क्या हुआ, सामने वाले ने बोला है तो उसको तो प्रत्युत्तर मुझे देना ही है ना, मैं कम हूं क्या उससे, लड़ो खूब लड़ो। जीवन को हम बर्बाद कर देते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं हम। ऐसे उदासी और उखड़े उखड़े जीवन जीते हैं, जीवन में कोई रौनकता नहीं, जीवन में कोई चमक नहीं, जीवन में कोई सौंदर्य नहीं, बस उदास और विहीन जीवन जीते हैं। जैसे कोई आदमी प्यासा हो और पानी न मिलने पर तड़पता हो, वैसे ही हमारी स्थिति हो चुकी है। हम अपने सुंदर जीवन को तबाह कर चुके हैं। असंयमित जीवन की वजह से संयम नाम की जीवन में परिभाषा, संयम की परिभाषा ही नहीं जान पाए, संयमित जीवन नहीं जी पाए, असंयमित जीवन जीते हैं। और आदमी एक इंसान ऐसा महान प्राणी है, जब पानी में डूबता है तो हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके पानी से निकलता है, आकाश में उड़ता है तो न जाने कितने हजार किलोमीटर यात्रा तय करता है तब नीचे उतरता है। जब आदमी के पास इतनी शक्ति है, दुनिया के सारे संचार को अपने आप में केंद्रित करके रखा है, पूरी दुनिया को अपनी उंगली के इशारों पर नचाता है, पूरे दुनिया को अपने उंगली के इशारों पर नचाता है, पूरे दुनिया को अपने हिसाब से ऑपरेट करता है। आदमी के पास इतनी महान शक्ति है, खूंखार से खूंखार जानवर को भी अपने वश में करता है। जब सर्कस दिखाने वाला सर्कस दिखाता है, शेर को कहता है बेटा बैठ जाओ, सर्कस दिखाने वाला शेर को कहता है बेटा बैठ जाओ, शेर बैठता है किसी आदमी के ऊपर, हाथी जाकर के पूजा करता है लेकिन आदमी को टच भी नहीं करता है। किसकी बाल, किसकी दिमाग है ये, आदमी का दिमाग है। आदमी ने इतना संयमित किया दुनिया को, लेकिन काश ऐसे ही अपने आप को संयमित करता। सब कुछ समय संयमित कर दिया आदमी ने, लेकिन अपने आप को संयमित नहीं किया, असंयमित जीवन जीता है, असंयमित जीवन। क्या खाना है ये भी पता नहीं है, कटु सत्य है। यदि गाय को कितना ही भूखा क्यों ना हो, मांस दे दो मर जाएगी गाय, लेकिन मांस को टच भी नहीं करेगी। शेर मर जाएगा लेकिन शेर पे हरा हरा घास डालो, शेर घास को टच भी नहीं करेगा, मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, खाएगा तो मांस खाएगा। और गाय खाएगी तो घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी। और आदमी कैसा है, क्या है, मैं नहीं कहूंगा इसको, आप ही लोग जाने इसको क्या कहेंगे। असंयमित जीवन, बड़ा लेबल लगाते हैं, हम कबीर पंथी है, हम राधा स्वामी है, हम गायत्री वाले हैं, घर में कटुता चल रहा है, घर में महाभारत चल रहे हैं, घर में भाई भाई दो चार फीट जमीन के लिए लड़ रहे हैं, अपने ही पिता को अपने ही घर से बेघर कर दिए हैं। कौन से कबीर पंथी का लेबल है, कौन से राधा स्वामी और गायत्री और ओम शांति का लेबल है, लेबल काम नहीं करता है, लेबल काम नहीं करता, जीवन की शांति काम करेगा। यदि जीवन में संयम की परिभाषा होगा तो हमारे जीवन में खाद्य अखाद्य को जानेंगे, खाद्य अखाद्य को जानेंगे। हम पढ़े लिखे अशिक्षित लोग हैं, पढ़े लिखे अशिक्षित, समझते हैं ना, पाउच में लिखा रहता है कि यह स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है, कैंसर हो सकता है, पर भी आदमी पाउच फाड़ता है और अपने अंदर घट कर जाता है। शराब में लिखा रहता है यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पर शराब आदमी प्यार से पीता है। आदमी की बुद्धि देखिए, आदमी की बुद्धि इतनी विचलित हो चुकी है, संयम नाम की परिभाषा ही नहीं है। मन कहीं और कह रहा है कि इधर दौड़े चले जा रहे हैं, जीभ लपलपा रही है, उधर खाने के लिए दौड़े चले जा रहे हैं, गंदे गंदे चीजों को खा रहे हैं। आदमी इतना स्वाभ और सुथरा जीवन जीना चाहिए, लेकिन गंदे चीजों में मुंह मारता है, गंदे चीजों में मुंह मारता है। आदमी का भोजन नहीं है मांसाहारी, मांसाहारी आदमी का भोजन नहीं है। और कोई अगर मांस खाते हो तो अपने आप को आदमी कहेंगे कि जानवर कहेंगे, वो अपने आप से ही पूछे, मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जानिए क्या कहेंगे आप। अभी कोरोना महामारी में डॉक्टरों ने सबने कहा था कि मांस खाना स्वास्थ्य के लिए अहितकर है। जो जानवर मांसाहारी होता है उसका दांत आंख नाक सब नुकीला होता है, उसका नाखून नुकीला होगा, उसका दांत नुकीला होगा और तेज तीखी नजर से देखेगा वो। आदमी का दांत नुकीला नहीं होता है, आदमी का नाखून नुकीला नहीं होता है, ये मांसाहारी जानवर की पहचान है।
आदमी एक सभ्य जान सभ्य व्यक्ति होकर के अशिक्षित और गंवार की तरह जीवन जीता है। और इतना ही नहीं, आज जब घर हर घर में आज पूरा परिवार पूरा चपेट में आ रहा है, हर गांव गांव में शराब शराब पीते हैं, तो इसकी वेदनाएं पीने वाले तो पीता है लेकिन उसकी वेदनाएं ज्यादा माताओं को भटकना पड़ता है, ज्यादा समस्याएं उन लोगों को झेलना पड़ता है। जब कोई शराबी शराब पीता है तो उनकी तीन पीढ़ी बर्बाद होती है, एक तो खुद बर्बाद होता है, एक उनके माता पिता रोते हैं और दूसरा उनके तीसरा उनके बच्चे रोते हैं। और शराब पीने वाले शराब बस नहीं पीते हैं आदमी बंधुओं, माँ बाप के चेहरे की मुस्कान पी जाते हैं, माँ बाप के चेहरे की मुस्कान पी जाते हैं और बच्चे की उड़ान भरने की क्षमता भी पी जाते हैं। कोई बच्चा सोचता है कि मैं आगे पढ़ लिख करके MBBS करूं, IPS IAS अफसर बनूं, कुछ भी सोचा रहता है और जब जब वो पढ़ने का मन करता है पढ़ाई करता है, जब जब कोई शराबी शराब पी करके घर में जाता है तो उनके बच्चे सोचते हैं इन शराबियों के बीच में कौन सा मैं पढ़ाई करूं, शराब की पढ़ाई करूं, इन शराबियों के बीच में कौन सा MBBS IPS IAS अफसर बन पाऊंगा। जो उनकी उड़ान भरने की क्षमता होती है ना, वो मिट्टी पलीद हो जाता है। शराबी जब शराब पी करके आता है तो शराब बस नहीं पीता है, मैं बताया कि बच्चे की जुड़ान भरने की क्षमता है वो भी पी जाता है और घर में आकर के ऐसा तहलका मचाता है, लगता है अब घर घर नहीं रह गया, शमशान घाट बनना शुरू हो गया। जब आदमी शराब पीता है तो शराब के नशे में ऐसा ऐसा काम करता है जो आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे काम करता है। इसलिए आदमी बंधुओं, शराब ना पियो, शराब ने हमेशा देश और राष्ट्र का अहित किया है, देश और राष्ट्र और परिवार का अहित किया है। और कोई शराब पीता है तो शराब पीते हैं उसके जिम्मेदार आप लोग हैं, आप पिलाते हैं उसको शराब। लग रहा होगा कैसे कह रहे हैं, आप शराब पिलाते हैं उसको। यदि आपका बच्चा शराब पी रहा है, आप बिन बच्चे के अच्छा रहिए, ऐसे बच्चे की कोई जरूरत नहीं है घर में, जो शराब पी करके घर का माहौल बर्बाद करे, अपना जीवन बर्बाद करे, अपने माँ बाप का जीवन बर्बाद करे, अपने बच्चे का जीवन बर्बाद करे, ऐसे बच्चों को घर में आने की एंट्री ही मत दो, घर में लॉक कर दो, तुम्हारा कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम शराब छोड़ दोगे उस दिन तुम इस घर में पैर रखना, अन्यथा तुम पैर मत रखना। यदि आप सावधान नहीं कर सकते तो आप पिलाते हैं शराब, आप शराब पिलाते हैं। क्यों आप सावधान नहीं हो सकते? जब घर को आप संचालित करते हैं तो घर की लक्ष्मी होती है, जब खतरनाक रूप धारण करती है तो चंडी और महाकाली हो जाती है। आप लोग आप देखिए, कभी लड़ाई होती है तो लड़ाई होती है, कभी आपन में पड़ोसी लड़ाई हो गई, कभी सास और बहू की लड़ाई हो गई, तो मान लो लड़ाई चल रही वहां पर कोई पुरुष है तो माताएं ऐसे शब्द चुन करके नंगे और भद्दे शब्द बोलेंगे, पुरुष होगा तो आंख छिपा करके पीछे मुड़ करके भगना पड़ेगा, वहां खड़े नहीं हो सकता है। जब आप इतना कर सकते हैं तो आप अपने पति को नहीं सुधार सकते, आप अपने बच्चे को नहीं सुधार सकते। मैंने सदगुरु कबीर साहब की एक साखी कहा, एक पंक्ति कहा है, खक्का चाहते हो शांति चाहते हो खोरी मनावे, इंद्रियों को वश में कर लो। ये सारा नाच चल रहा है इंद्रियों के असंयमित होने पर, ये सारा नाच इंद्रियों के असंयमित होने पर, और सबसे ज्यादा असंयमित हमारा है तो जीभ। क्यों जीभ कह रहा हूं, हमारे आंख दो है लेकिन सिर्फ हम देखते हैं आंखों से, कान दो है लेकिन कान से सिर्फ सुनते हैं, नाक दो है लेकिन सिर्फ नाक से श्वास लेते हैं, सिर्फ सूंघते हैं, लेकिन जीभ एक है और कान तीन है। जिस जीभ में हड्डियां भी नहीं है, हड्डियां की नहीं है, एक बार स्पर्श करके देखिए आप लोग, जीभ में हड्डियां नहीं होती है। जीभ एक है काम तीन है, जीभ से रसपान करते हैं, जीभ से भोजन करते हैं, जीभ से शब्द भी बोलते हैं, और शब्द चुन करके नहीं बोला गया तो घर उजड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, और शब्द चुन करके बोला गया तो घर बन जाता है। शब्द ही एक ऐसा, शब्दों पर तो इतनी सारी वाणियां हैं और शब्दों पर चर्चा किया जाए तो शब्द निकल जाएगा, एक शब्द निकल जाएगा। आप शब्दों पर चाहिए, पूरा शब्दों का बौंजल है, शब्दों का बाउंडर है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द सवारे बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे खाओ, शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। अर्थ समझ में आ रहा है ना, शब्दों शब्दों में बहुत अंतर है,
सार शब्दों को मत लीजिए। सद्गुरु कबीर साहब ही ने कहा है, हर क्लास में सब पढ़े हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए, औरन को शीतल करे आपो ही शीतल होए। सद्गुरु कबीर साहब शब्दों पर इतना बोले हैं, आप लोगों से मैं ये सब चर्चा नहीं करूंगा, लंबा विषय, आप शब्दों को सोच और समझ करके बोलिए। किसी संत ने कहा है, बोलो तो पहले तो लो, कब कितना कहां उचित है, वाणी न तुम लड़ाओ भला तुम्हें कौन बिगाड़ेगा, न जिभ्या न तुम लड़ाओ भला कौन तुम्हें बिगाड़ेगा। हम असंयमित होकर के बोलते हैं, बिना सोच समझ करके बोलते हैं, और जब जब ना समझ होकर के बोलेंगे तब तक हमारा निकलता कहां से है, ये केंद्र से निकलता है। मैंने सद्गुरु कबीर साहब की एक साखी कहा था कि हम मूल चीज को नहीं सींचते हैं, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। हम यदि मन को साध लेंगे तो मन को साधेंगे तो सब सज जाएगा, हमारी इंद्रिया भी संचालित हो जाएगी, और हम मन को नहीं साधेंगे तो बाहरी चीजों को साधते साधते जीवन बीत जाएगा, लेकिन जीवन सधने वाला नहीं है। सद्गुरु कबीर साहब उदाहरण देते हैं, जैसा कोई आदमी एक पेड़ लगा ले और पेड़ के पत्ते में, तने में, डाली में पानी डाले और उसके जड़ पे ना डाले तो पेड़ सूख करके मर जाएगा, वैसे ही आदमी क्या करता है, बाहरी चीजों को साधता है, बाहरी चीजों को सुंदर बनाता है, जीवन को सुंदर बनाने के लिए क्या करता है, मन को नहीं साधता है। किसको साधता है, कपड़े सुंदर पहनता है, मकान सुंदर बनाता है, मोबाइल सुंदर रखता है, बाहर से टी टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट सब चीज ठीक रखता है, लेकिन बाहर सोफा सेट है, अंदर डाइनिंग सेट है, सब कुछ सेट है, लेकिन माइंड अपसेट बना हुआ है। आज भी माइंड अपसेट है, जीवन बर्बाद हो जाएगा, जीवन बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ सेट करे, व्यवस्थित जीवन जिए। यदि सद्गुरु कबीर साहेब इन चीजों को संयमित करने के लिए कहते हैं, मरे मरे उदासी जिंदगी मत जिए आप। यदि आपके जीवन में संयम की परिभाषा नहीं होगी तो आप गलत बोलेंगे और गलत बोलने का परिणाम गलत उत्तर आएगा और आप हमेशा असंयमित रहेंगे। आप एक शब्द गलत बोलेंगे, बार बार आपको रिटर्न होकर के चुभेगा, मैंने गलत बोल दिया, इसका परिणाम क्या होगा, काश मुझे अच्छा सोच समझ करके बोलना चाहिए था, मैंने गलत कहा है, क्या सोच रहे होंगे सामने वाले। आप एक शब्द गलत बोलते हैं। किसी संत ने कहा है, शब्द में इतनी शक्ति होती है कि कोई आदमी शब्द प्यार से बोला जाए तो हंसते हुए को रुलाया जा, रोते हुए को हंसाया जा सकता है और हंसते हुए को रुलाया जा सकता है। शब्दों में इतनी शक्ति है, शब्दों में इतनी शक्ति है कि हंसते को रुलाया जा सकता है और रोते हुए को हंसाया जा सकता है। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, संयम की परिभाषा, संयम की परिभाषा। मैंने कहा कि जानवरों में इतना डिसिप्लिन है, जानवरों में इतना डिसिप्लिन है कि जो चीज खाना है वही खाएगा, गलत चीज नहीं खाएगा। एक जगह एक व्यक्ति सर्कस दिखा रहा था तो उन्होंने किया क्या, मदारी है, खेल दिखा रहा है, खेल दिखाते दिखाते उन्होंने अपना खेल के मैदान में चूहा और बिल्ली उतारा और चूहा और बिल्ली आपस में एक दूसरा खूना खून हो गए, लड़ना शुरू कर दिए, कटिबद्ध हो गए, एक दूसरे लड़ रहे, एक दूसरे के जान के जोखिम बने हुए हैं। मदारी कहता है, बेटा बस करो, अब आज इतना ही काफी है। सांप इतना ही कहता है, चूहा और बिल्ली जो जन्म के दुश्मन है एक जगह आ करके प्रेम से बैठ जाता है। सर्कस दिखाने वाला क्या कहता है, बेटा बस करो, आज इतना ही काफी है, कल के लिए शेष बचा करके रखो। जो जन्म के दुश्मन है उसको भी मित्र बना देता है सर्कस दिखाने वाले ने, और चूहा और बिल्ली एक जगह आ करके बैठ जाता है। फिर निकलता है सांप और नेवला, सांप और नेवला एक दूसरा में कटिबद्ध हो जाते हैं, एक दूसरा में खूना खून हो जाते हैं। मदारी खेल दिखाने वाला फिर से कहता है, बेटा बस करो, तुम भी आज तुम्हारा भी इतना ही काफी है। सांप और नेवला भी अपने आप में आकर के बैठ जाते हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है। आदमी के पास इतनी शक्ति है, आदमी के पास इतनी महान शक्ति है, जन्म के दुश्मन को मित्र बना देता है, लेकिन दुर्भाग्य कहो कि सौभाग्य कहो, पूरी दुनिया को अपने वश में करता है, अपने आप को वश में नहीं करता है।
और जब अपना परिचय देता है आदमी तो बड़े इंसानियत का परिचय देता है, हम इसके पुत्र हैं, इसके बच्चे हैं, इस पंथ की परंपरा को मानते हैं, बड़ा लेबल लगाता है, पढ़े लिखे शिक्षित होने का लेबल लगाता है। और जब जीवन जीता है तो अनपढ़ और गंवार की तरह जीवन जीता है। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित समाज से हैं, अच्छी सभ्यता है, अच्छा संपन्न घर से हैं आप, अच्छा संस्कारी घर से हैं। अब अपने आप से पूछे, मैं इतना सारा लेबल तो लगा दिया, क्या संस्कारी घर से हैं? आपके शब्दों में कटुता तो नहीं आती है? मतलब आप असभ्य घर के हैं, आप असत्य घर के हैं, आपके शब्दों में गलत शब्दों का उपयोग हो रहा है, आप किसी मत और पंथ और संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, आप किसी धर्म को अनुष्ठान नहीं करते हैं, धर्म की पालन नहीं करते हैं, आप गलत व्यवहार, गलत आचरण, गलत जीवन जीते हैं। आप कह रहे हैं, भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, नियम कह रहा है। यदि आपके शब्दों में गलत शब्दों का उच्चारण हो रहा है, आपके कर्तव्य में आप गलत कर्तव्य गलत कर्म करते चले जा रहे हैं, मतलब आप गलत जीवन जी रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं। एक अनपढ़ आदमी, एक गंवार आदमी जिसे कहते हैं, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, वो भी गाली दे तो समझ में आता है, और एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी गाली दे तो कौन सी अंतर है? एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में अंतर कौन सा है? एक शराबी गाली दे तो समझ में आता है, और एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति कहते हैं, जिसे पढ़े लिखे लोग कहते हैं, जो परंपरा का अनुयायी है, जो किसी गुरु और संत से जुड़े हैं, वो भी गाली दे तो समझ में कैसा आएगा कि अच्छा व्यक्ति कि बुरा व्यक्ति? इसकी पहचान क्या है? असंयमित जीवन, असंयमित जीवन। एक जगह एक छोटा सा बच्चा अपने घर में एक खिलौना से खेल रहा था। एक महाराज को कहा, महाराज जी एक बात बताऊं? महाराज ने कहा, हाँ बताओ। आप गो कहना तो ये खिलौना चढ़ पड़ेगा, और कम कहना तो रुक जाएगा। महाराज ने कहा, उस बच्चा ने कहा, महाराज जी गो बोलो, जोर से बोलना। वो खिलौना चल पड़ा, कुछ दूर तक जाता है, उसके बाद में वो बच्चा ने कहा, महाराज जी कम गलो। महाराज जी ने कहा, कम? वो रुक गया। महाराज ने कहा, काश ऐसे ही इंद्रिया भी संयमित होता, गो कहो तो इंद्रिया संचालित हो जाती, कम कहो तो वही रुक जाता, काश ऐसे व्यवस्थित जीवन होता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको अपने जीवन को संचालित करना है, आपको अपने जीवन को, अपने को खुद को दिशा देना है। यदि आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो आपके आने वाले पीढ़ी गलत दिशा पे जाएगा, आपका जीवन असंयमित जीवन हो जाएगा। असंयमित जीवन में दुख और दर्द और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। संयमित जीवन सिर्फ मैं खास वाणी पर और कल विशेष चर्चा करूंगा। मैं वाणी एक ऐसा माध्यम है जो आपके जीवन को बना देगा, और बोलने का तरीका नहीं जाने तो आपके बना बनाया घर तोड़ करके दो टुकड़े और बर्बाद तबाह कर देगा आपका घर। हमारे आज भारत देश में जितने भी केस चल रहा है उसमें आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च से पता चला है 80% केस है जो बात की लड़ाई, ओनली बात की लड़ाई है। बात की लड़ाई, जमीन की लड़ाई कम है, संपत्ति की लड़ाई कम है, एक दूसरे की और कोई चीज की लड़ाई कम है, ज्यादा लड़ाई है तो बात की लड़ाई। कहा, मेरे भाई ने मुझे ऐसा बोला, ऐसा बोलने का अधिकार कहाँ से आया? मेरा पड़ोसी ऐसे बोले, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। एक कहता है, मेरी पत्नी ऐसे बोली, उनको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, मेरे पति ऐसा बोले। क्या आप एक दूसरे के लिए बंधन में बंधे हैं? जीवन भर के लिए 7 जन्मों का रिश्ते निभाने की बात करके आए हैं, आपके पति एक कटु शब्द कहे तो नहीं पूछ सकते? आपके पति दिन भर धूप में तपते हैं, आपकी भोजन की व्यवस्था वो करते हैं, चावल दाल की व्यवस्था वो करते हैं, मकान की व्यवस्था वो करते हैं, बच्चे की पढ़ने लिखने की व्यवस्था वो करते हैं, आपके तबीयत खराब हो जाने की व्यवस्था वो करते हैं, आपके कपड़े की व्यवस्था वो करते हैं, माता पिता की स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो व्यवस्था वो करते हैं, आपको मार्केटिंग जाने की व्यवस्था वो करते हैं। इतना सहारा तो आप सह लेते हैं, कटु वचन बोले उसको आप नहीं सह सकते? आपका जीवन कैसे सुंदर होगा, कैसे सुंदर होगा? और आप सबकी पत्नी है, आपकी पत्नी आप प्रेम से रखेंगे, अच्छा से रखेंगे तो आपका घर सुंदर होगा। आप अच्छे रहते हैं तो आपकी पत्नी अच्छी रहती है, और आपकी पत्नी अच्छी रहती है तो घर सजता है, घर संवरता है, घर सुंदर बनता है। घर का मतलब, मैं मकान की बात नहीं कह रहा हूँ, मकान तो सस्ता और संवरता है, ईंट सीमेंट गीले ईटे रेत से बनता है, फॉल्स सीलिंग लगा दो, डाइनिंग सेट अच्छा सजा दो, टाइल्स लगा दो, मार्बल लगा दो, ग्रेनाइट लगा दो,
बड़ा बड़ा स्क्रीन लगा दो, घर में पूरा आल सुविधा कर दो, इससे आपका मकान सजता और समरता है। इसको मकान कहा जाता है, घर उसे कहते हैं जिस जिस परिवार में आपस में देरान जेठान सास बहू माता पिता बच्चे आपस में प्रेम से जीते हो, उसको घर कहा जाता है। घर और मकान में इतना अंतर है। जब कोई आदमी किसी के यहाँ जाता है और मकान किराए के मकान पर रहता है तो क्या कहता है, ये मकान मालकिन है। घर वाले बोलते हैं ये मकान मालकिन है, घर मालिक है नहीं बोलते, घर उसको नहीं कहा जाता है, मकान मालिक कहा जाता है। और किसी किसी घर के सदस्य को पूछा जाता है, कोई आपके यहाँ मेहमान आए हैं और आपको पूछते हैं ये कौन है, तो मकान वाले है कहते हैं कि घर वाले कहते हैं। आप समझ में आ रहे हैं ना साथ, बात क्लियर। घर वाले हैं बोलते हैं, मकान वाले हैं नहीं बोलते हैं। मकान वाले मतलब दूसरा हो गया, घर वाले मतलब घर का होता है। आपको अपने घर को सजाना है, आपको अपने घर को सजाना है, आपको अपने ही जीवन को सजाना और संवारना है। सदगुरु कबीर की मैंने एक साथ एक पंक्ति, खक्खा चाहे खोरी मनावे। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं इंद्रियाहीनि परमार्थी विषयाहि वर्तन्ते। जो अर्जुन कृष्ण से कह रहे हैं जो इंद्रियों से इंद्रियों से जो यत्न करते हैं, प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, उन लोगों के भी इंद्रियां सावधान न रहने पर कहीं के कहीं ले जाकर के गिरा देती है। इंद्रियां कहीं के कहीं ले जाकर के गिरा देती है। यदि सावधान न रहो तो इंद्रियां हमेशा चंचल बनी रहती है और इंद्रियां अपने अपने दिशाओं पे खींचता है, पैर कभी ले जाता है किधर की ओर, आंख अपने अपने रस अपने अपने दिव्य शक्ति में चला जाता है, चक्षु की ओर दौड़ता है, नए नए चित्र देखना चाहता है और रसपान करने के लिए नए नए स्वाद लेने की जिभ्या की ओर खींच देता है। यदि संस्कार सही है, सभ्यता सही है, तो माता पिता का आशीर्वाद और प्रेम सही है, तो कोई ऑफिस से खेत से ड्यूटी से खलिहान से आने के बाद उनका प्रेम घर खींच करके लाता है और संयमित जीवन ना हो तो उनको शराब भट्टी की ओर खींच ले जाता है। जीवन आपका है। मेरा समय पूरा हुआ, विशेष चर्चा कल। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। इन सद्गुरु कबीर की मैं एक साखी कहा इस पर कल दोनों टाइम इस पर और चर्चा करूंगा मैं, यदि समय रहा और मेरा जीवन रहा तो। अब इसी क्रम में निवेदन है पूज्य संत श्री कोमल साहेब जी से। सुबह के विचार आप लोग सुन रहे थे, आत्मा अपने ही अंदर है और संत के पहचान, संत का पहचान उन्होंने बताया। गुरुदेव जी की एक उत्तर है, संत कौन? गुरुदेव जी ने उत्तर में लिखा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। गुरुदेव जी ने एक ही वाक्य, सद्गुरु अभिलाष साहब ने, सद्गुरु अभिलाष साहब ने ये नहीं कहा कि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं, सन्यासी कलर पहनते हैं, जो गृह त्याग दिए हैं, जो काला वस्त्र धारण करते हैं वो संत है, जटाजूट हो, लंबा चंदन लगाया हो, माला पहना हो, ये सारे लेवल किनारे कर दिए गुरुदेव जी ने। गुरुदेव जी ने उत्तर में लिखा, जो दुखी नहीं होता वह संत है। आप सब भी संत हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।